हाँ जी दोस्तों, स्वागत थोड़ा सारे का अपने चैनल पर अमन शरीर टिप्स से। तो हाँ जी मित्रों, अज की इस वीडियो में आप सैंपल पेपर करवावे फुल सॉल्वड समाजिक विज्ञान का, जो दसवीं क्लास का जुलाई अगस्त पेपर होना है। हाँ जी मित्रों, इस करके वीडियो में एंड तक ध्यान वेखते रहना। जोड़ा पेपर है 20 नंबर का आएगा, डेढ़ या फिर 2 घंटे का टाइम होगा। थोड़े स्कूल मुताबक जो पेपर है पाया जाएगा, कोई भी पैटर्न हो सकता है। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दें, इन्हों थोड़े पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, इस करके नाल दी नाल याद कर लेना दोस्तों। जिवें कि तुसीं देख सकते हो, भाग उड़े विच पहला प्रश्न है बहु चोणवे प्रश्न, सब तो पहला तुहाडे लई आणगे। पहला प्रश्न है, हेठ लिखियां विचों किहड़े इलाके विच काली मिट्टी पाई जाती है? किहड़े इलाके विच पाई जाती है दोस्तों? गुजरात विच। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दूजा क्वेश्चन है, जैविक भूगोल की है? की है दोस्तों जैविक भूगोल? इहदा आंसर ऑप्शन नंबर ऊड़ा, जीवंत वस्तां दा व्यापक अध्ययन है। ठीक है, इस तों अगे नैक्सट क्वेश्चन है दोस्तों, तीजा, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिती? किसने दिती दोस्तों? इहदा आंसर है एडम स्मिथ ने। नैक्सट क्वेश्चन है अपना भी चौथा, हेठ लिखे वाकों बारे एक शब्द लिखो। इन्हां बारे एक शब्द लिखना है, मिट्टी, पानी, बनस्पति ते खनिज पदार्थ बारे कुदरत दियां रहमतां। इहदा अपना भी उत्तर आजूगा, कुदरती सोमे अते साधन। ठीक है, इस तों अगला क्वेश्चन है, IUCN का पूरा नाम की बनता है? इहदा उत्तर हैगा अपन लवे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजरवेशन नेचर। इस तों अगे छेवां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र शब्द डैश भाषा तो लिया गया है? किहड़ी भाषा तो लिया गया अर्थशास्त्र? यूनानी भाषा तो। इस तों अगे भाग ऐड़ा आंदा अपन लवे, हेठ लिखे हरेक प्रश्न का उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक च लिखना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन ने। बाबर नूं पंजाब उत्ते जीत कदों प्राप्त हुई अते इस लड़ाई विच उसने किसनूं हराया? यह आंसर हैगा बाबर नूं पंजाब ते जीत 21 अप्रैल 1526 ईस्वी नूं प्राप्त हुई अते उसने इस लड़ाई विच इब्राहिम लोधी नूं हराया सी। दूजा क्वेश्चन है, दुआबा शब्द तो की भाव है? दो दरियावां दे विचकारले भाग नूं दुआबा कहा जाता है। इस तों अगे मुद्रा की पूर्ति तो की भाव है? इहदा उत्तर है, मुद्रा पूर्ति तो भाव किसी अर्थव्यवस्था विच लोकां कोल समय दे एक निश्चित बिंदु ते मुद्रा दे कुल स्टाक करंसी नोटां अते सिक्कियां दे रूप विच तों है। जां फिर ऑप्शन भी आ सकदे ने तुहानूं इन्हां क्वेश्चनां विच दोस्तों, तुहाडे स्कूल मुताबक तुहाडे टीचर पाउणगे इह पेपर। इस तों अगे दुआब बारी नूं माझा क्यों कहा जांदा है अते इस दे वसनीकी नूं की कहिंदे ने? दुआब बारी नूं माझा पंजाब दे मध्य विच होण कारण कहा जाता है, तो इस दे वसनीकी लोकां नूं की कहा जाता है? मझैल। ठीक है, इस तों अगे भाग ईडी विच आपां लवे आ जाणगे वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न। हाँ जी दोस्त, तुहाडे लवे 3-3, 4-4 अंकां वाले आणगे। इस विच तुहानूं ऑप्शन भी आ सकती है, आफतां प्रबंधन बारे संडाई फ्रेमवर्क बारे संखेप विच लिखो। इहदा उत्तर है, सुडाई फ्रेमवर्क एक अंतरराष्ट्रीय कौमांतरी दस्तावेज है जिस विच 2015 तो 2030 तक आफतां दे असर नूं घटाउण बारे योजना उलीकी गई है। यह दस्तावेज 14 तो 18 मार्च 2015 दौरान जापान दे शहर सुडाई विखे विश्व कॉन्फ्रेंस विच तैयार किया गया सी। इस नूं जून 2015 विच संयुक्त राष्ट्र ने लागू कर दिता सी। यह दस्तावेज 2005 तो लैके 2015 दे यूगो समझौते ते आधारित है। इस विच 4 काम पहल दे आधारित ते करना, 7 निशाने ते 13 सिद्धांत कुदरती ते मनुखी आफतां नूं घटाउण लई बनाए गए हन। पहल दे आधारित ते करन वाले जिहड़े 4 काम ने किहड़े ने? पहला हैगा आफतां दे जोखिम नूं समझना, सरकारां नूं आफतां दे प्रबंध बारे तैयार करना, आफतां दे जोखम नूं घटाउण लई पैसा खर्च करना, आफतां दी तैयारी अते जवाब नूं बेहतर बनाउणा अते उहनां लोकां नूं सुरक्षित बचा के मुड़ वसाउणा शामिल है। इस तों अगे दूजा प्रश्न है, सर्वजनक वित्त तो की भाव है? सर्वजनक वित्त विच शामिल वख वख मदां दा वर्णन करना है। इहदा उत्तर है, सर्वजनक वित्त दे शब्दां ते मिल के बनया है 2 शब्दों तो। ठीक है, सर्वजनक ते वित्त, इत्थे सर्वजनक तो भाव है लोगों समूह जिस की प्रतिनिधिता सरकार सो द्वारा की जाती है, इसलिए संकेत विच सर्वजनक तो भाव सरकार तो है। वित्त शब्द तो भाव वित्तीय साधना तो है, भाव उन्होंने साधना तो है जिन्हों का संबंध आमदन खर्च है।
ਸਰਵਜਨਕ ਵਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਪੱਖ ਵਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਲਮਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਯਦਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਂਸਰ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 4-5 ਕੁ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਪੀ 'ਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PSC ਰਿਲੇਟਡ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।